नमस्ते फैमिली, मैं हूँ वैशाली। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ वैशाली मित्रा के फैशन डोज पे। सारे फेस्टिवल आ चुके हैं, चल रहे हैं। शॉपिंग कर ली है आज मैंने अगेन बुलबुल से, बिकॉज आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी कि बुलबुल से और भी ज़्यादा शॉप किया जाए, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में आपके साथ शेयर करूँ। तो आज इस वीडियो में साड़ीज़, दुपट्टा एंड एक कुर्ती, जिसको कुर्ती कम ड्रेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो बुलबुल। बुलबुल क्या है? एक इंडिया का लाइव वीडियो ऐप है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रोडक्ट की जो आप खरीदते हैं उसकी वीडियो देखने को मिलती है। बहुत सारे मेरे ही तरह इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पर वीडियोस बनाते हैं, मेरी भी आपको वहीं पर वीडियोस देखने को मिलेंगी। जो भी प्रोडक्ट्स आपको बाय करने हैं सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सिंगल लिंक है, आपको क्लिक करना है, वहाँ पर सारे ही ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे और आप इजीली बाय कर सकते हैं। सीओडी, रिटर्न पॉलिसी सब कुछ अवेलेबल है, तो बेझिझक होके शॉप कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको इस तरीके से पेज मिलेगा, बहुत सारी कैटेगरीज, ब्यूटी से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड। यहाँ पर मैंने वुमेन कैटेगरी चूज़ की है, उसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, साड़ी, सूट, दुपट्टा। ये देखिए मैंने ग्रीन कुर्ती यहाँ पर चूज़ की है। बाय कैसे करना है ये देखिए, आपको उसके बाद अपना साइज़ चूज़ करना है, देन आगे प्रोसीड करना है, अपनी एड्रेस फिल करनी है एंड सेलेक्ट पेमेंट मोड। पेमेंट मोड में पेटीएम, फ़ोनपे, कोई भी आप कैश ऑन डिलीवरी भी चूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। शुरू करते हैं, फर्स्ट पीस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले दुपट्टे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक मैं रेड कलर का बनारसी दुपट्टा, देखिए रेड बहुत ज़्यादा ब्राइट चटक वाला रेड नहीं है, थोड़ा सा लाइट रेड कलर है, ये कैमरा पे थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। इस तरीके से बनारसी दुपट्टा है, बहुत सॉफ्ट वाली जरी बनारसी, क्योंकि देखिए कई बार हम बनारसी दुपट्टा तो लेते हैं लेकिन वो बिल्कुल एकदम खड़ा रहता है, एकदम पापड़ की तरह, तो वो वाला फील नहीं है, प्रॉपर देखिए सॉफ्ट है। अगर आप इस तरीके से भी लेना चाहेंगे तो आराम से इसको ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस तरीके से पूरे ही दुपट्टे में आपको मोटिव्स जो मिल रहे हैं इस तरीके से मिलेंगे, और बैक साइड में आपको दिखा दूँ पूरा वीविंग का काम है, प्रिंट नहीं है, नीचे की तरफ टैसल है। मैंने जैसे कि एक बेसिक ग्रीन कलर के सूट के ऊपर इसको पहना है, सॉलिड ग्रीन कलर का सूट है, रेड मैचिंग ज्वेलरी पहननी है और बिंदी लगा लो, लिपस्टिक, अपनी तरीके से आप स्टाइल कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक आपको आइडिया दिया है, बिकॉज मैं अपनी वीडियोस में कोशिश करती हूँ कि लुक बुक भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए, आप लोगों को और भी ज़्यादा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट दुपट्टा शेयर कर देते हैं। नेक्स्ट दुपट्टा जो कि रेगुलर कलर जिसको बोल सकते हैं, जो सभी को अच्छे से काम में आएगा, यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके का ग्रीन कलर दुपट्टा। ये ग्रीन भी थोड़ा सा रामा ग्रीन एंड ग्रीन के बीच का मिक्स कलर है, देखिए टू टोन इसका फैब्रिक है, गोल्ड और इसमें देखिए ग्रीन का शाइन मार रहा है, इसके बीच में लीव्स टाइप का पैटर्न बना हुआ है, लुक एट दिस, और साइड में बॉर्डर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। साइड में बैक साइड में इसका देखिए पूरा वीव्ड वर्क है, नीचे बहुत चौड़ा वौड़ा बॉर्डर तो नहीं मिल रहा है, सेम इस तरीके से मिलेगा, और नीचे टैसल मिल रहे हैं रेड कलर के, देखिए रेड इसके साथ थ्रेड का वीव है ना, तो इसलिए ये वाला शाइन बहुत प्यारा कर रहा है। ये भी सेम मटेरियल है, मैंने ग्रीन कलर के सूट के साथ ही इसको पेयर किया है। हालांकि देखिए अगर आप मोनोक्रोम थीम फॉलो करते हैं, सारा अटायर एक ही कलर में फॉलो करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको आप फ्यूजन ड्रेप में भी यूज़ कर सकते हैं, जब आप साड़ी, आगे दिखाती हूँ, साड़ी में मैंने फ्यूजन ड्रेप भी किया है। अब चलते हैं साड़ीज़ की तरफ। साड़ीज़ में फर्स्ट साड़ी मैं आपके साथ रेड कलर की ही शेयर करूँगी। इस तरीके से रेड कलर का साड़ी आपको मिलेगा, पूरा फ्लोरल पैटर्न है इसकी बॉडी पर, और इसकी जो लेस मिल रही है आपको पार का जो ये साइड है, ये इस तरीके से मिलेगा। बनारसी साड़ी है, हालांकि देखिए प्योर सिल्क नहीं है, प्योर बनारसी नहीं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको वो मिलना इम्पॉसिबल है, बट हाँ क्वालिटी अच्छी है जो आप प्राइस पे कर रहे हैं। इस तरीके से आपको इसका आंचल यानी पल्ला साइड मिल जाती है, पूरी बॉडी इस तरीके से आपको मिलेगी। मैंने स्टाइल किया है इसको, आप देख सकते हैं, जो मैंने ब्लाउज पहना है सीक्वेंस वाला, ये मेरा अपना पर्सनल ब्लाउज है। इस साड़ी में जो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ सब अनस्टिच ब्लाउज पीस के साथ मिलेगी आपको, जो गोल्डन है ना, गोल्डन के साथ साथ इसका सेल्फ में भी वीव्ड है, अगर आप देख पा रहे हैं कैमरा पे, सेल्फ में भी रेड कलर के फ्लावर वीव्ड है, और यहाँ पर मिल जाता है आपको, ये देखिए एक स्कर्ट का घेरा आपको इस तरीके से प्लेन मिलेगा जो कि सेल्फ में वीव्ड है फ्लावर्स, और यहाँ पर आपको इसका ब्लाउज पीस मिल जाता है विद दिस गोल्डन बॉर्डर। इसको आप नेक पे लगाइए या फिर
बैक पे लगाइए जैसा आप चाहते हैं। नेक्स्ट जो कुर्ती ड्रेस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप ही लोगों की फेवरेट डिमांडिंग, क्योंकि मैंने जब वीडियो में पहनी थी आप सभी लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, सो ये रही वो ब्यूटिफुल सी ब्लैक कलर की कुर्ती। देखिए कॉटन का इसका फैब्रिक ही है, प्योर रेयन मुझे फील नहीं हो रहा है, कॉटन में ही फील हो रहा है। पूरा फॉइल प्रिंट है, राइट, रेड एंड गोल्डन कलर में, जो कि शाइन करता है तो एक पार्टी लुक भी आपको देता है। आगे जो इसके बटन्स हैं, एक एक बटन में इफ़ यू कैन सी कैमरा कैन पिक, कॉपर कलर के स्टोन लगाए हुए हैं। आगे की तरफ वेस्ट लाइन पे ये आपको देखिए रेड कलर के टासल मिल रहे हैं, कमर पे आप एडजस्ट कर सकते हैं। घेरा बहुत क्यूट सा, ज़्यादा घेरा तो नहीं है बट बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको स्लीव्स में इस तरीके से डिज़ाइन मिलेगा। देखिए कुर्ती मैंने माना कि फॉइल प्रिंट है, बट इसकी अपील पहनने के बाद, देखने के बाद बहुत ही रॉयल एंड रिच लगती है। आगे और पीछे दोनों तरफ से प्रिंट है, तो एक पार्टी ओकेजन के लिए मुझे लगता है कि एकदम अप्रोप्रिएट है और बहुत अच्छी है। बॉडी पे हग करती है, कपड़ा बड़ा अच्छा लगता है यार पहनने के बाद, ऑल ओवर लुक बड़ी प्यारी आती है। नेक्स्ट जो साड़ी आपके साथ शेयर करूँगी, विच इज़ इन लिनन साड़ी, ये है इस तरीके का स्काई ब्लू कलर का साड़ी। स्काई ब्लू पे पिंक कलर के फ्लोरल मिल रहे हैं आपको पैटर्न, इस तरीके से देखिए पूरी साड़ी आपको इस तरीके से थोड़ा सा मैट फिनिश में मिलेगी, लेकिन इसमें बॉर्डर सैटिन का दिया हुआ है। ये देखिए, देखिए इस तरीके की साड़ी है, आप डेली वेयर में भी वेयर कर सकते हैं, बहुत कम्फर्टेबल है, सॉफ्ट मटेरियल है। देखिए मतलब कम उम्र की लड़कियां हैं, टीनेज में हैं, इस तरीके की ट्राई कर सकते हैं। इवन जो हमारे ओल्डर एज की वुमेन होती हैं, क्योंकि हमारे घर में जो हमारी मम्मी है, सासू माँ है, दादी माँ है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डार्क और ब्राइट कलर्स पहनना पसंद नहीं करते, तो इस टाइप के कलर्स उन पर बहुत खिलेंगे, कलर बहुत प्यारा है। और इस तरीके से एंड में आपको ये देखिए ये मिल जाएगा, आई थिंक ये इसका आँचल वाला पार्ट है और रनिंग में ब्लाउज़ है, या फिर ये ब्लाउज़ है रनिंग में पूरी साड़ी है। आई थिंक ये वाला इसका ब्लाउज़ पीस है, बिकॉज़ ये कॉन्ट्रास्ट में है, और बाकी साड़ी आपको पूरी इस तरीके से मिलेगी, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। ये देखिए हाथ में कुछ भी खर 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 या फिर हार्ड वाला नहीं है, जो खशखश करता है बॉडी पे, बड़ा ही इरीटेट करता है। नेक्स्ट पीस विच इज़ सो ब्यूटिफुल एंड एक्चुअली मुझे बहुत पसंद आया, बेज कलर का साड़ी, ये देखिए बहुत खूबसूरत साड़ी है। देखिए जो भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं प्लीज़ कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी अपडेट, बहुत सारी पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मित्रा वैशाली, लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, इफ़ यू वॉन्ट प्लीज़ चेक कर दीजिएगा एंड फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट बेज साड़ी, देखिए ये साड़ी बहुत ही रॉयल, बहुत ही रिच लुक देती है। इस तरीके का एक साड़ी आपके पास 100% होना चाहिए, मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी बट फाइनली एक मिली है। इस तरीके से बेज के ऊपर गोल्डन कलर का है, यहाँ पर मैंने इस कलर थीम को तोड़ने के लिए जो लुक बुक में रेड कलर का नेक पीस पहना है, तो उससे ये जो बेज कलर को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर रहा है। हालांकि अगर आपके पास गोल्डन सेट है वो भी चलेगा, अच्छा लगेगा, रेड लिपस्टिक रेड बिंदी लगा लेना, कमाल लगोगे। और जो टीनेज में है या फिर नहीं चाहते कि ऐसा कुछ रेड में लगाया जाए, ब्लैक कलर की बिंदी, स्मोकी आई, न्यू लिप्स, यह सॉर्टेड। ये देखिए इस तरीके से गोल्डन है, यहाँ पर ये आपको आंचल मिल जाता है, पूरा ही वीव्ड साड़ी है। ये इसका क्रॉस पीछे का हिस्सा है, जहाँ पे वीव्ड हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए पूरी साड़ी आपको इस तरीके से गोल्डन एंड बेज कलर में मिलेगी, बहुत अच्छी और रॉयल एंड रिच लुक देते हैं। और जिस तरीके से मैंने बांधी हुई है, आप ट्रायन में देख रहे होंगे कि इसको कैरी करना बहुत ईजी है। कई बार बनारसी साड़ी ऐसी होती है कि बहुत हार्ड होती है या बहुत हैवी उस पर वर्क होता है, उनको हैंडल करना ही एक अलग लेवल की टेंशन हो जाती है, तो इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि ये प्योर बनारसी प्योर सिल्क तो नहीं है इतना तो आपको समझना चाहिए कि इस प्राइस में आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, बट जो भी आप पे कर रहे हैं आपको वर्थ पाइंग क्वालिटी मिल रही है। यहाँ पर फर्स्ट जो एकदम फ्रंट का जो कपड़ा आता है ना, वो इस तरीके से देखिए ये भी सेल्फ में वर्क है, बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है बॉर्डर जिसपे एक लाल पट्टी दी हुई है, बस इसका यूज़ तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, बाकी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारी साड़ी है, लाइक रिफ्लेक्शन भी बहुत अच्छा आता है इसका जब आप पहनते हैं। नेक्स्ट साड़ी दिखाने से पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो इसी तरीके की ब्यूटीफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए जस्ट डू दैट। देखिए
फ्री है, लेकिन इस तरीके की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है, प्लीज लाइक करके जाइएगा। नेक्स्ट साड़ी, प्योर फेस्टिव कलर्स। देखिए घर में कोई पूजा है, वेडिंग हुई है, मतलब ये कलर देखिए, ग्रीन एंड मरूनिश रेड इसको बोलूँगी। इस तरीके से देखिए हाथी और घोड़े बने हुए हैं, अगर आप फिगर आउट कर पा रहे हैं यहाँ पर आपको पता लगेगा। ये देखिए हाथी एंड घोड़े बने हुए हैं इसके बॉर्डर पर, तो इस तरीके से पूरा भरा हुआ जाल का इसका आपको आंचल पल्ला मिल जाता है। इस तरीके से ये आएगा आपके बॉडी पार्ट पे पोर्शन। इसका बॉर्डर भी काफ़ी चौड़ा है और पूरी साड़ी आपको कंप्लीट ये जो फ्लावर बने हुए इस तरीके से मिलेगी, ये देखिए पूरी साड़ी। और इसका जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आपको जो फ्रंट का जो स्कर्ट पहला राउंड लेते हैं वो इस तरीके से पूरा प्लेन आएगा। शाइन कपड़े में देखिए काफ़ी अच्छी है, कलर बहुत खूबसूरत है। और ये मिलेगा आपको इसका ब्लाउज पीस, जैसे कि मैंने आपको बताया रेडिश मेरून कलर है, ये वाला बॉर्डर मिल रहा है, यही हाथी घोड़े वाला, तो ये आप अपनी स्लीव्स पर लगा सकते हैं। एक्चुअली ये देखिए शाइन बहुत खूबसूरत कर रहा है, डुअल टोन में फैब्रिक जब आता है तो बहुत प्यारा लगता है। जिन भी लोगों को उत्सुकता हो रही है ये जानने की कि ये कुर्ती मैंने कहाँ से ली, कहाँ से बाय की, स्टे चिपक के वैशाली मित्रा, स्टे कनेक्टेड सभी जगह पर, पता नहीं कहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ जाए। सो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और भी अमेजिंग ऑप्शंस के साथ। तब तक के लिए शेयर करते रहिए चैनल को और आगे बढ़ाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।